नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग आइडियाज विद कौशिक। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2019 वाला, वो होगा आपका 7 जुलाई 2019 को। तो आपको ये देखना है कि आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे आप इसको सीटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका इजीली क्लियर हो जाए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अपना सीटेट कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेसिक बात कर लेते हैं कि इसमें पेपर क्या क्या होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, पेपर वन और पेपर टू, इसमें दो होते हैं। सबसे पहले पेपर वन की हम बात करें तो पेपर वन में पहला पोर्शन जो आता है वो आता है आपका सीडीपी का। ओके, सीडीपी में आपके सीडीपी हो गया। अब इसके लिए मैं बताऊंगी आपको क्या बुक्स पढ़नी है, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैथ्स में आपकी 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी और 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी से आएगा। सेम इंग्लिश में 15 नंबर की पैडागॉजी और 15 का आपका पैसेज आता है, जो कि एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का होता है। इसमें जो पैसेज में होता है, या तो आपके पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेज में और एक दो क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। सेम चीज़ आपकी हिंदी में भी होती है। अब सीडीपी के लिए आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो सबसे पहले आप इसके लिए सीडीपी के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आप इसके लिए एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने भी पढ़ा था और जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, उन सब ने ही बच्चे पढ़ते हैं इसे, और आप इसे पढ़ लीजिए एनसीएफ 2005। एक पीडीएफ मिलती है आपकी, इसे आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई बुक्स लेना चाहें तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक्स या फिर अरिहंत की या फिर लूसेंट की एक बुक ले लीजिए, जिससे आप उससे उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो इन बुक्स में गलतियां होती है, लेकिन आपको एक बेस बनाने के लिए अरिहंत या लूसेंट की कोई एक बुक ले लीजिए। उसके अलावा लास्ट ईयर के पेपर्स, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं करी है और आप एक महीने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लीजिए ना, तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है एनसीएफ 2005 और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद आता है आपका जब ईवीएस की हम बात करते हैं, तो सेम इसमें भी 15 नंबर की पैडागॉजी आती है और 15 नंबर का जो पोर्शन आता है वो एनसीईआरटी से आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है 1-5 की, वो बहुत अच्छे से करनी है। अब जब हम बात करते हैं पेपर टू की, तो पेपर टू में भी वही सीडीपी, तो इसके लिए भी आप कोई एक बुक ले लीजिए, अरिहंत, लूसेंट या भी कोई भी, और वही एनसीएफ 2005 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम हिंदी वाला पोर्शन वही हो गया, 15 नंबर की पैडागॉजी और 15 नंबर का आपका पैसेज, इंग्लिश में भी वही होता है। उसके बाद आती है मैथ्स और साइंस, एक पेपर आता है मैथ्स और साइंस वाले का, जो कि जिनकी ग्रेजुएशन में साइंस रही होगी, और दूसरा आता है एसएसटी जिन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड वाले आते हैं। तो इसके लिए भी आपका वही होता है, 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी होती है और उसके बाद आपका 15 नंबर का जो पोर्शन आता है वो आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से करनी है। सेम एसएसटी में भी 15 नंबर की पैडागॉजी और 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी का पोर्शन होगा। तो अब हम इसके लिए आगे एक सीरीज तैयार करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आज मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या क्या सीटेट में पूछा जाता है, कौन सी बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहला एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एनसीएफ 2005 और लास्ट ईयर के पेपर्स, जहाँ से जो भी अवेलेबल हो उनको सॉल्व करते रहिए। उससे आपका बहुत कुछ क्लियर होने लगता है, आपको पता चलने लगता है कि गलतियाँ कहाँ होती है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे, जैसे पता ही आपको कि जनरल के लिए आपको 90 चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनको 82, तो जो बच्चे अधिकतर जो फंसते हैं ना वो 82-85 के बीच में फंस जाते हैं। तो जो ये गलतियां होती है ना वो कहाँ होती है और वो कैसे आपको 90 के पार पहुँचाएंगे। ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बस आपको 90 ही नंबर लाने हैं, आपको आप अच्छे से तैयारी करिए, जो मैं आपको बताऊंगी आप 120 भी क्रॉस कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा और आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप उसको इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए हम सीरीज बनाएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।